रेवाड़ी जिले के बावल शहर के सौंदर्यकरण को लेकर लगाए गए आई लव बावल सेल्फी प्वाइंट पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बावल नगर पालिका चेयरमैन ने बावल पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। बता दें कि बावल के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पास करीबन 1 लाख रुपये की लागत से आई लव बावल सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था। एक दिन पहले ही ये पॉइंट बनाया गया था और दूसरे दिन सुबह चौकीदार ने सूचना दी कि किसी ने बावल का ए शब्द तोड़ दिया है। नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह महलावत ने कहा कि इस तरह के सेल्फी पॉइंट बावल में दूसरे स्थानों पर भी बनाए जाने थे। जिन लोगों ने भी ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल ही हमने रेवाड़ी बावल रोड पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पास एक सेल्फी प्वाइंट बनवाया था शहर के सौंदर्यकरण के लिए, जिस पर करीब 1 लाख रुपए की लागत आई थी और उस पर हमने आई लव बावड़ अंकित करवाया हुआ था फाइबर के अक्षरों में और ग्रेनाइट पत्थर से, मतलब अच्छा सौंदर्यकरण था। और पूरे बावड़ में 10 पॉइंट का प्रस्ताव पास है, वे 10 पॉइंट बावड़ में बनवाएंगे। ये जो सेल्फी प्वाइंट था बावड़ की एंट्री है, जैसे लोग रेवाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से आएंगे तो एक बहुत अच्छा सौंदर्यकरण था। सुबह कृषि विश्वविद्यालय के गार्ड ने मुझे सूचना दी कि बाबूजी किसी ने उसका खंडित कर दिया है, तो मैंने मौके पर जाके देखा तो आई लव बावल में जो बावल का ए अक्षर था उसको पत्थर मार के या किसी चीज से तोड़ा हुआ था। तो ये रात ने किसी शरारती तत्व का काम है जो शहर के सौंदर्यीकरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि बावल शहर विकास की तरफ बढ़े, बावल का सौंदर्यीकरण हो, लेकिन कुछ जो तत्व है हमारे, जो आजकल के युवा हैं, नशे की तरफ भाग रहे हैं और रात को शरारत करते हैं, तो इसकी शिकायत मैंने एसएचओ साहब को बावल को दे दी है। और मैं आपके माध्यम से जो युवा हैं उनको संदेश देता हूं कि बावल के सौंदर्यीकरण में, विकास में भागीदार बने, ना कि किसी चीज को नुकसान पहुंचाएं। और जो भी ऐसे तत्व हैं जो पहचाने जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सामाजिक कार्रवाई भी की जाएगी।